हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कॉम्पिटिशन हब। फ्रेंड्स, रेलवे एएलपी एंड टेक्नीशियन के पार्ट बी एग्जाम पे बात करेंगे हम लोग, नॉर्मलाइजेशन क्यों नहीं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए फ्रेंड्स, सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पार्ट ए से मेरिट बनने वाली है, पार्ट बी से नहीं। तो ये कहा जा रहा है कि पार्ट बी क्वालिफाइंग नेचर का था तो इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो आप एक चीज़ समझिए कि नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है। क्या नॉर्मलाइजेशन का ये मतलब होता है कि फेल को पास कर दिया जाए? अगर ये समझ रहे हैं तो इस मेंटेलिटी से बाहर आइए। नॉर्मलाइजेशन उनका हक है और ये होना चाहिए। या तो सारा एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में एक ही टाइम पे करा देना चाहिए था, एक ट्रेड का एक टाइम पे कराना चाहिए था, और अगर आप वो नहीं करवा पाए हैं तो ये उनका हक है कि आप वो डिफ़िकल्टी लेवल को इक्वल करवाएं। और जो बच्चे बहुत ये चीज़ों का रेफरेंस दे रहे हैं कि जो 26.25 भी ना ला पाया वो डिज़र्व नहीं करता है जॉब करना, क्योंकि रेलवे में बहुत एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। आपको पता क्या है, रेलवे में जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो किसकी गलती से होते हैं आपको भी कुछ नहीं पता है। जब आप उस फील्ड में जाएंगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चलेंगी जो सुन के आपको लगेगा कि मैं कहाँ आ गया। एएलपी की जॉब कोई बहुत खुशी से नहीं करता है। इस वक्त जॉब की जितनी रिक्वायरमेंट है यूथ को, उसका अंदाज़ा आपको नहीं है, क्योंकि आपको लग रहा है मुझे तो बड़ी आसानी से मिल गया है, पार्ट बी वाले अगर फेल हो जाते हैं तो मैं कम ही करके आया हूँ तो मैं पास हो जाऊँगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पार्ट बी में अटैम्प्ट नहीं कर पाए हैं बहुत अच्छा, लेकिन पार्ट ए में उन्होंने इतना बढ़िया अटैम्प्ट किया है, 90 अबव किया है। अब आप कहेंगे 90 अबव वाले तो तुक्का मारते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 90 अबव करके आते हैं और उनका 100% करेक्ट होता है। यहाँ अच्छे बच्चे बहुत सारे पड़े हुए हैं। और पार्ट बी में मार्क्स ना आने का बहुत बड़ा रीज़न एक ये है क्योंकि टेक्निकल वैकेंसी उतनी नहीं आती जितनी नॉन टेक आती है। और अगर आप सिर्फ टेक्निकल के भरोसे रहे तो आपकी जॉब लग चुकी। इतनी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ चुकी है कि नॉन टेक पे डिपेंड होना पड़ता है, और नॉन टेक पढ़ते पढ़ते टेक्निकल भूल जाता है। और रेलवे की वैकेंसी इतनी लेट आती है एएलपी एंड टेक्नीशियन की कि बच्चे अपना टेक्निकल वाकई भूल जाते हैं। तो अगर वो 26.25 भी लाते हैं तो वो बेकार नहीं है। अगर रखा गया है 35% तो सोच समझ के रखा गया है। 35% आप लाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेवकूफ़ हैं कि 35 ही ला पाए। 75 में 35 ना ला पाना, मैं मानती हूँ कि चलिए ना ला पाना थोड़ा सा है, लेकिन एग्जैक्ट 35% भी आप लाते हैं ना तो आप उसके हकदार हैं, क्योंकि रेलवे ने उतना दिया है आपको। उन्होंने खुद कहा है कि 35%, और मेरिट जिससे बनती है ना वो उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपने पार्ट ए में अच्छा स्कोर किया है तो आप कहीं से भी कमज़ोर नहीं हैं। और पार्ट बी में स्कोर ना कर पाना सिर्फ इस वजह से कि डिफ़िकल्टी लेवल इक्वलाइज नहीं किया गया। अगर डिफ़िकल्टी लेवल इक्वलाइज किया गया होता और एक दो नंबर आपके बढ़ जाते तो आप बाहर नहीं होते। अगर किसी का पेपर थोड़ा इजी है, वो 26 ला लिया, आप नहीं ला पाए क्योंकि आपका पेपर टफ था, तो इसका मतलब ये थोड़े ना है कि आप बेवकूफ़ हैं। सपोज़ कि एक ड्राइंग का पेपर है, ड्राइंग के पेपर में आपको दे दिया गया आइंस्टाइन बनाने को, दूसरे को दे दिया ग्रेप्स बनाने को, दोनों के मार्क्स सेम हैं, दोनों का एग्ज़ाम सेम है। अब उसके बाद कहा जाए कि ड्राइंग में फ़ेल हो गया, वो तो डिज़र्व ही नहीं करता है, तो ये गलत बात है। आप होते कौन है जज करने वाले? और आपको पता कितना है एक लोको पायलट कितनी जाने रिस्क पे लेके चलता है, और वो अपनी जॉब पर डे रिस्क पे लेके चलता है, अपनी फैमिली से कांटेक्ट नहीं कर पाता पूरे पूरे दिन, कोई खुशी से नहीं करता लोको पायलट की जॉब। लेकिन इस वक्त इतनी बेरोजगारी है कि हमारी मजबूरी है कि जो मिले जहाँ मिले वो बढ़िया है। लोको पायलट में सिर्फ पैसा ही नहीं है, बहुत रिस्क भी है, और उस रिस्क का अंदाज़ा आपको नहीं है। जब आप उस इंजन के सामने बैठेंगे ना तब आपको पता चलेगा, अभी आपको कुछ पता नहीं है। आप रेफरेंस दे रहे हैं रेलवे में इतने एक्सीडेंट होते हैं, ये लोग जाएंगे तो क्या करेंगे। आपको पता भी है रेलवे में एक्सीडेंट्स किसकी वजह से होते हैं? क्या सिर्फ लोको पायलट की गलती से होते हैं? बहुत सारे एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं जो अदर सरकमस्टांसेस की वजह से होते हैं, अपर अधिकारियों की वजह से होते हैं, लेकिन सबकी ये कोशिश रहती है कि दोष और फॉल्ट सारा का सारा एएलपी पे आ जाए और मैं क्लीन निकल जाऊं।
और आपसे ज़्यादा उस लोको पायलट को चिंता होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो पर डे हजारों जाने अपनी हथेली पे लेके चल रहा है। अगर उसकी एक चूक हुई तो ना तो उतनी जाने जाएंगी बल्कि उसकी जॉब भी जाएगी। और जिस जॉब के लिए आप इतना परेशान हैं, क्या कोई उस जॉब को रिस्क में डालेगा, खतरे में डालेगा? तो आपको कोई हक नहीं है किसी को ये कहने का कि आप 26.25 नहीं ला पाए तो आप डिज़र्व नहीं करते हैं, आप जाके एक्सीडेंट करा देंगे। ये वो लोग कह रहे हैं जो ये चाहते हैं कि ये बाहर हो जाए ताकि मैं सेलेक्ट हो जाऊं। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। अगर इसलिए बाहर आप होते हैं कि आपका डिफ़िकल्टी लेवल इक्वलाइज नहीं किया गया, तो ये गलत है। ये होना चाहिए, इट मस्ट बी। या तो सारे एग्ज़ाम्स एक ही डेट में कराए जाने थे, या तो अलग अलग कराया गया है तो सबको इक्वलाइज करिए, उसके बाद आप क्वालिफाइंग चेक कीजिए कि इतना पाया है या नहीं। ये कोई बात नहीं हुई कि आउट ऑफ 75 इतना लाना है, चाहे पेपर टफ हो या इजी हो, आपको उतना लाना था नहीं लाए तो आप डिज़र्व नहीं करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है। और मैं तो यही कहूँगी कि अगर नहीं हुआ तो आप लोग चुप मत बैठिएगा। वैसे भी आंसर की के बाद सब कुछ क्लियर हो ही जाना है। जस्ट वेट एंड वॉच। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।